Hello everyone. So today we'll be discuss how to solve 0 into infinite indeterminate form. And further we'll be discuss more question practice regarding standard limit. So let's start. सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 0 into infinite indeterminate form को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं. तो इसको हम लोग एक क्वेश्चन के जरिए समझ लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो बढ़ते हैं उस क्वेश्चन पे. तो वो क्वेश्चन गिवन है हमारे पास कि लिमिट x टेन इंटू वन वन माइनस एक्स टेन पाई बाई टू इंटू एक्स. ठीक है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये 0 इंटू इनफाइनाइट इंडिटरमिनेट फॉर्म है. तो पहले मैं इसमें x टेंडिंग टू 1 इसमें पुट करके देखता हूँ क्या होता है. ठीक है, इसमें हम जब 1 पुट कर रहे हैं, जैसे कि मैं पुट करके दिखा रहा हूँ आपको, 1 माइनस 1 ये हो गया इंटू टेन पाई बाई टू इंटू 1. तो जैसे कि हमको पता है 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 इंटू टेन पाई बाई टू क्या होता है, इन्फिनिटी. मतलब ये कहने का क्या है, 0 इंटू इनफाइनाइट इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है. ओके, तो मैं आपको अभी बताऊंगा कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, 0 इंटू इनफाइनाइट इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो 0 इंटू इनफाइनाइट इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसको बहुत ही ईजी है. 0 इंटू इनफाइनाइट इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो या इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो, इसको हम लोग क्या करते हैं, नहीं तो उसको हम लोग 0 बाय 0 में कन्वर्ट कर लेते हैं, नहीं तो उसको हम लोग इनफाइनाइट डिवाइड बाय इनफाइनाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है, क्या करते हैं, जब 0 इंटू इनफाइनाइट हो तो हम लोग इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट इंटू 0 बाय 0, 0 बाय 0 में कर लेते हैं, या इनफाइनाइट डिवाइड बाई इनफाइनाइट मतलब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट इंटू 0 बाई 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म. ठीक है, तो हम इसको अबव जो प्रॉब्लम दिया है इसको हम लोग कैसे इसको कन्वर्ट कर पाएंगे 0 बाई 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में, मैं आपको करके दिखाता हूँ. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन मेरे पास लिमिट x टेंडिंग टू 1 1 माइनस x. ठीक है, हमको पता है कि tan x का उल्टा क्या होता है, tan x का उल्टा होता है cot x. तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटू 1 डिवाइड बाई cot पाई बाई 2 इंटू x. ठीक है, लिख सकते हैं. अब फिर से आप x टेन इंटू जब 1 पुट कीजिएगा तो देखते हैं, जिससे इसमें 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर एबव हो जाएगा आपका 0, नीचे अगर cot पाई बाई 2 इंटू 0 करेंगे तो cot पाई बाई 2 क्या होता है, 0. मतलब देखिए ये कन्वर्ट हो गया आपका 0 बाई 0 इंडिटरमिनेंट फॉर्म में. आशा करते हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. देखिए कन्वर्ट होकर आ गया आपको 0 इंटू 0 बाई 0 इनफाइनाइट 0 बाई 0 इनडिटरमिनेंट फॉर्म में. ठीक है, तो अब आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप, क्योंकि आपको पता है 0 बाई 0 इनफाइनाइट इनडिटरमिनेंट फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं. तो हमको इसको सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबको एक प्रॉपर्टी पता होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, वो बताता हूँ मैं आपको कि cot पाई बाई 2x को आप क्या लिख सकते हैं, cot पाई बाई 2x को लिख सकते हैं आप tan पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 एक्स. ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि आपको मैंने ये क्यों लिखा है, मैंने इसको इसलिए लिखा है क्या, ताकि ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, जहाँ कि मैं अपना धांसु मेथड यूज कर सकूँ. ठीक है, धांसु मेथड कहाँ लगता है, जब टेन एक्स जो होता है, जो उसका अंदर वाला जो होता है, अगर वो 0 को टेन करता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग ओवरऑल लिख देते हैं. मतलब कि यहाँ अगर ये इनसाइड वाला 0 को टेंड करेगा तो हम लोग ओवरऑल इसको लिख देंगे. ठीक है, एक बार हम लोग इसको करके देखते हैं क्या होता है. तो x टेंड इनटू अगर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, मतलब कहने का अर्थ कि ये 0 को टेंड कर रहा है. मतलब कहने का अर्थ कि आपको क्या लिख सकते हैं, जैसे टेन ए जो होता है, अगर जहाँ पे ए 0 को टेंड करता है तो इसको ओवरऑल टेन ए को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ए से रिप्लेस कर सकते हैं. उसी तरह यहाँ पे टेन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 इंटू एक्स है, तो ये अगर 0 को टेंड कर रहा है तो इसको हम लोग क्या चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं, इसको हम लोग पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. तो अभी ओवरऑल क्या बच गया, ओवरऑल आपका बच गया, तो मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बच गया 1 माइनस एक्स और पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 एक्स. ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या बच गया मेरे पास, लिमिट एक्स टेंड इंटू 1 1 माइनस एक्स और नीचे बच गया पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 एक्स. यहाँ से अगर पाई बाई 2 मैं कॉमन ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा. ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, पाई बाई 2 इंटू 1 माइनस एक्स हो गया. ठीक है, तो 1 माइनस एक्स 1 बाई एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो बचे ओवरऑल आपका क्या बचेगा, ओवरऑल आपका बचेगा 2 बाई 5. यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 बाई 5. आशा करते हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 0 इंटू इनफाइनाइट इनडिटरमिनेट फॉर्म को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो उसके बाद मैंने बताया था कि फर्दर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, और भी इससे रिगार्डिंग हम लोग स्टैंडर्ड लिमिट को सॉल्व करेंगे. मतलब कि अब स्टैंडर्ड लिमिट में आपका 0 बाई 0 फॉर्म भी आएगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म भी आएगा, और 0 इंटू इनफाइनाइट इनडिटरमिनेट फॉर्म भी आएगा. ठीक है,
तो अभी तक हम लोग कितना फॉर्म देख लिया, हम लोग जीरो बाय जीरो देख लिया, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी देख लिया, और जीरो इंटू इन्फिनाइट इंडिटरमिनेंट फॉर्म देख लिया। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे और उसी में हम लोग सारे फॉर्म को देखते जाएंगे ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू होल डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस वन। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग चेक करेंगे कौन सा ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। तो पहले हम लोग एक्स बराबर वन रखते हैं, तो वन रखेंगे तो वन प्लस वन माइनस टू मतलब ऊपर तो आपका हो गया जीरो, नीचे देखते हैं साइन वन माइनस मतलब साइन जीरो जीरो हो गया, मतलब ये आपका ओवरऑल क्या बन गया, ये आपका ओवरऑल इनडिटरमिनेंट जीरो बाई जीरो इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन गया। ठीक है, तो जीरो बाई जीरो इनडिटरमिनेंट फॉर्म को हमको सॉल्व करने के क्या तरीका है, मेरे पास बहुत सारा तरीका है। पहले हम लोग स्टैंडर्ड लिमिट को देखते हैं, क्योंकि साइन हमको स्टैंडर्ड लिमिट देख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे अपना धासु तरीका लगा रहा हूँ मैं। जब ये अंदर वाला जीरो को टेंड करेगा तो ओवरऑल को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, तो जो अंदर वाला होता है। ठीक है, तो देखते हैं एक्स बराबर वन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो, यानी जीरो को टेंड कर रहा है, यानी इस ओवरऑल को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इस ओवरऑल को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एक्स माइनस वन से। ठीक है, तो अभी लिमिट किस में चेंज हो गया, लिमिट अभी चेंज हो गया आपका, ऊपर हो गया आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू, नीचे हो गया आपका एक्स माइनस वन। देख ही सकते हैं आपको कितना, अभी भी अगर इसमें आप वन पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा जीरो, नीचे भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अब मैं आपको मैंने सबसे फर्स्ट मेथड क्या बताया था, फैक्टराइजेशन का मेथड। ठीक है, तो आप कहीं देखिए कि इसमें फैक्टराइजेशन फैक्टर किसी का बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो ये ऊपर वाला का फैक्टर बनेगा, ऊपर वाला का फैक्टर होगा आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू का फैक्टर होगा एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू। एक बार आप कट कर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो पता चल जाएगा कि आपको ये इसका फैक्टर है कि नहीं। ठीक है, एक्स माइनस वन अभी आपका आ गया, एक्स माइनस वन कैंसिल हो गया, फिर अब एक्स टेन इंटू जब वन रखेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा आंसर, वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू वन टू हो गया प्लस टू, ओवरऑल इसका आंसर आ गया फाइव, मतलब कि आपका आंसर आ गया टोटल लिमिट का आंसर आ गया आपका फाइव। ठीक है, तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको और एक मेथड से कर सकते थे, आप स्टैंडर्ड लिमिट लगाइए, जैसे साइन एक्स माइनस वन है तो एक्स टेन वन रखना मतलब कि साइन एक्स माइनस वन है, तो हम लोग अगर इसमें स्टैंडर्ड लिमिट लगाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, एक्स माइनस वन ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे भी एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई, और ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन, ये टोटल किससे रिप्लेस हो जाएगा, ये वन से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, बात वही होगा, मेरा धासु मेथड सबसे ईजी है, क्योंकि डायरेक्ट रख के आप उससे रिप्लेस कर दीजिए, सबसे मेथड ईजी है। ठीक है, तो आप ऐसे स्टैंडर्ड लिमिट का भी प्रयोग करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या मेरा धासु तरीका यूज करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले बढ़ने से पहले हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला को डिस्कस कर लेते हैं। वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला क्या है, कॉस ए माइनस कॉस बी इज इक्वल टू टू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन बी माइनस ए बाई टू, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है। जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर पढ़िएगा वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाले आपका लिमिट एक्स टेन जीरो कॉस सेवन एक्स माइनस कॉस नाइन एक्स होल डिवाइड बाई कॉस एक्स माइनस कॉस फाइव एक्स। ठीक है, अगर आपको वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तो आप यहाँ पे बहुत ही आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, मैं यहाँ पे करूँ तो करूँ क्या। ठीक है, तो पहले आप क्या कीजिए कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला के हिसाब से इसको पहले उसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, किसमें कॉस ए माइनस कॉस बी क्या होता है टू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन बी माइनस ए बाई टू। ठीक है, तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो क्या हो जाएगा ये लिमिट एक्स टेन जीरो क्या हो जाएगा टू साइन ए प्लस बी, ए क्या है इसका, इसका ए है सेवन एक्स, बी क्या है नाइन एक्स, मतलब नाइन एक्स प्लस सेवन एक्स सिक्सटीन एक्स होल डिवाइड बाई टू मतलब आपका आ जाएगा एट एक्स इंटू साइन बी माइनस ए, बी क्या है यहाँ पे बी इसका है नाइन एक्स और ए क्या है सेवन एक्स, मतलब नाइन एक्स माइनस सेवन एक्स क्या हो गया टू एक्स होल डिवाइड बाई टू क्या हो जाएगा एक्स। ठीक है, ओनली एक्स बच जाएगा। ठीक है, उसी तरह नीचे वाला में भी सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, क्या हो जाएगा टू साइन ए प्लस बी मतलब सिक्स एक्स डिवाइड बाई टू क्या हो जाएगा थ्री एक्स साइन थ्री एक्स, उसके बाद अपोजिट बी माइनस ए मतलब फाइव एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा फोर एक्स डिवाइड बाई टू क्या हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल आ गया, ये ओवरऑल इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप लगाइए कौन सा ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म शो कर रहा है। ठीक है, तो साइन जीरो जीरो होगा ऊपर जीरो नीचे भी, मतलब ऊपर नीचे आपका ओवरऑल क्या शो कर रहा है, ये ओवरऑल ये शो कर रहा है आपका जीरो बाई जीरो इनडिटरमिनेंट फॉर्म। ठीक है, तो आप मेरा धासु मेथड का यूज कर सकते हैं या स्टैंडर्ड लिमिट का यूज कर सकते हैं, तो आप दोनों तरीके से यूज कर, जैसे ऊपर एट एक्स है तो नीचे आप एट एक्स से ऊपर भी एट एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर एक्स है तो नीचे एक्स से ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, नहीं तो सबसे सिंपल सा क्या कर सकते हैं कि अगर देखिए उसका ए जो है अगर जीरो को टेंड करा मल्टीप्लीकेशन के टर्म में है भी, अगर ए है जो जीरो को टेंड करा तो इसको ओवरऑल को किससे रिप्लेस कर सकते हैं एट एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, उसी तरह इस ओवरऑल को किससे रिप्लेस कर सकते हैं एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, उसी तरह नीचे वाले को थ्री एक्स जो है थ्री एक्स है जो जीरो को टेंड करा मतलब इसको भी हम लोग थ्री एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, इसको भी हम लोग 2x से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब कितना शॉर्ट फॉर्म में कितना इजी आ, टू टू से टू तक कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, देखिए अब कितना शॉर्ट में ये आपका कन्वर्ट हो गया है, कितना शॉर्ट में हो गया है देखते हैं,
ऊपर बच गया आपका 8x इंटू एक्स होल डिवाइड बाई 3x इंटू 2x, ठीक है। x से x कैंसिल आउट कर दीजिए तो ओवरऑल बच जाएगा 8 डिवाइड बाई 6, मतलब कि 4 डिवाइड बाई 3, मतलब 4/3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला नहीं पता रहता तो आप क्या करते हैं, बहुत ही आपको प्रॉब्लम होती है, आप इसको अलग अलग करते हैं, फिर इसमें आप स्टैंडर्ड लिमिट बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा सा सवाल हो जाता है और क्या पता आप आंसर निकाल भी पाते या नहीं निकाल पाते। लेकिन अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला पता है तो देखिए आप इजिली कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। यहाँ पर मैं अपना धांसू तरीका यूज़ करूँगा या स्टैंडर्ड लिमिट यूज़ करूँगा, ठीक है। कोई एक बोलिए धांसू तरीका यूज़ करते हैं। धांसू तरीका यूज क्या है, हमको पता है कि अगर टेन है जो ए है, अगर जीरो को टेन करेगा तो इस ओवरऑल को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, हम लोग इस ओवरऑल को ए से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसमें देखता हूँ कि कौन सी है स्टैंडर्ड लिमिट, कौन सा इंडिटरमिनेंट फॉर्म शो कर रहा है, तो देखते हैं। इसमें अगर जीरो रखें तो क्या कॉस जीरो वन हो गया, इंटू इधर भी जीरो रखें तो वन हो, तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो, नीचे टेन जीरो होता है जीरो, यानी जीरो बाई जीरो इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। सो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं, ठीक है। तो क्या कीजिए आप कर दीजिए कि टेन स्क्वायर एक्स को दो बार लिख दीजिए टेन, ओके, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस टू एक्स, ओके, ये मल्टीप्लाई में है, आप लोग इसमें अंदर ही मत मान लीजिए उसको, ठीक है। फिर नीचे लिख दीजिए टेन एक्स इंटू टेन एक्स, ओके। अब देखिए नीचे वाला जो है एक्स जो है, देखिए जीरो को टेन कर रहा है, मतलब इस ओवरऑल को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इस ओवरऑल को हम लोग एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, उसी तरह इसको भी हम लोग एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी ये ओवरऑल क्या हो गया, ओवरऑल एक्स स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आपको अच्छे से, लिमिट एक्स टेन जीरो वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स को आप क्या लिखिए, कॉस टू एक्स को आप क्या लिख दीजिए, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। सबको पता होगा कि कॉस टू एक्स को हम लोग वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है उसका, ठीक है। होल डिवाइड में नीचे क्या हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, देखिए क्या हो जाएगा, वन माइनस हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स, और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ओके। ये हो गया ओवरऑल आपका, नीचे हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ओके। आप यहाँ पे दो तरीके से इसको कर सकते हैं, इसको नहीं तो साइन में कन्वर्ट कर दीजिए, नहीं तो इसको अलग अलग कर दीजिए। मैं इसको साइन में कन्वर्ट करके कर ले रहा हूँ। दोनों तरीका से आप कीजिएगा तो दोनों तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। मैं साइन स्क्वायर एक्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इधर से कॉमन निकालूंगा और इधर से आपका एक मेरा धांसू तरीका यूज करने के लायक एक फॉर्मूला बन जाएगा। मैं दिखाता हूँ कैसे बन जाएगा आपको, साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर मैं यहाँ से आपको साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लूँगा ताकि आपको पता चल जाए कि हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट कैसे इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, इजिली मतलब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्या हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, होल डिवाइड बाई नीचे एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख गया हो, क्या दिख गया होगा कि यहाँ पे हमारा एक स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। साइन जैसे कि हमको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो साइन एक्स होल डिवाइड बाई एक्स क्या होता है, वन होता है। उसी तरह यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर होगा, नीचे भी एक्स स्क्वायर, ये भी वन हो जाएगा, मतलब कहने का अर्थ कि आपका ये जो है वन में कन्वर्ट हो गया। और अगर हम लोग इसमें एक्स टेंड जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस जीरो वन, यानी वन प्लस टू इंटू वन क्या हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा वन प्लस टू इंटू कॉस जीरो हो जाएगा वन इंटू वन, मतलब कहने का अर्थ कि आपका आंसर आ गया थ्री, ठीक है। तो इस ओवरऑल क्वेश्चन का आंसर क्या गया आपको थ्री, देखिए कितना इजीली आप कैलकुलेट कर पाए। क्यों कैलकुलेट कर पाए, क्योंकि आपका आप यहाँ पे धांसू तरीके का यूज कर लिए, या कहने का आपको स्टैंडर्ड लिमिट का यूज कर लिए, जो कि बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि आप इजीली कन्वर्ट कर लिए और इजीली आप कैलकुलेट कर लिए इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल है, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स होल डिवाइड बाई साइन के पावर फोर एक्स एक्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरा धांसू तरीका कितना अच्छा यूज होगा। आप सोचेंगे कि अगर हम स्टैंडर्ड लिमिट का यूज करते तो थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन अगर धांसू तरीका यूज कीजिएगा तो दो सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिमिट को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं कि कौन सा वो इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, ठीक है। इसमें एक्स टेंड जीरो रखेंगे तो वन माइनस वन जीरो हो गया, कॉस जीरो वन, मतलब वन माइनस वन हो गया आपका ऊपर जीरो, नीचे हो जाएगा जीरो रखेंगे तो जीरो, मतलब जीरो बाय जीरो इंडिटरमिनेंट फॉर्म है ये, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिए, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जब वन माइनस कॉस ए होता है, अगर ए जो है जीरो को टेंड करता है तो हम लोग इस ओवरऑल को किससे रिप्लेस कर देते हैं, ए स्क्वायर बाई टू, मेरा ये धांसू तरीका था, इसको रिप्लेस कर देते हैं ए स्क्वायर बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो देखिए ये कॉस वाला ये जो अंदर वाला टर्म है ये ए है, टोटल ए, ये क्या है ए है,
अब ये देखते हैं कि अगर ये जीरो को टेंड करेगा तो ये ओवरऑल इसका होल स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं तो एक्स टेंड जीरो रखिएगा तो कॉस जीरो हो जाएगा वन, तो वन माइनस वन यानी ये जीरो को टेंड कर रहा है, यानी ये ओवरऑल किससे रिप्लेस हो जाएगा, ये ओवरऑल आपका रिप्लेस हो जाएगा वन माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब ए का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई टू से रिप्लेस हो जाएगा। और नीचे क्या है मेरे पास, नीचे है मेरे पास साइन के पावर फोर एक्स, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड जीरो, ओके, इतना तो हो गया। देखिए इतना को हम लोग इतना शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर से हम वाई मेथड लगाएंगे, फिर से देखेंगे कि कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म शो कर रहा है, ठीक है। तो ऊपर क्या होगा, वन माइनस वन क्या होगा, जीरो, नीचे भी जीरो, यानी फिर से हमारा पता चल गया कि ये जीरो बाई जीरो फिर से इंडिटरमिनेट फॉर्म है। फिर से हम लोग वाई मेथड लगाते हैं, क्या होता है वन मेथड, वन माइनस कॉस ए होता है, अगर ए जीरो को टेंड करता है तो इसको हम लोग किससे रिप्लेस कर देते हैं, ए स्क्वायर बाई टू से, ठीक है। तो ये अंदर वाला देखते हैं एक्स टेंड जीरो, मतलब ये जीरो को टेंड कर रहा है, मतलब किसको हम लोग ओवरऑल को किससे रिप्लेस कर देंगे, इसको ओवरऑल को हम लोग रिप्लेस कर देंगे एक्स स्क्वायर बाई टू, मतलब नीचे भी टू है तो ओवरऑल फोर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, ये बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले हम लोग चेक करेंगे कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म इसमें शो कर रहा है, ठीक है। तो लिमिट एक्सटेंड पाई बाई टू, टेन पाई बाई टू क्या होता है इन्फिनिटी, टेन थ्री पाई बाई टू क्या होगा इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म इसमें है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का यूज करेंगे, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है कि टेन थ्री एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, थ्री टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स होल बाई बाई वन माइनस थ्री टेन एक्स का, ठीक है। इसको मैं लिखता हूँ इसमें लिमिट एक्स टेंड इंटू पाई बाई टू, क्या लिखेंगे टेन एक्स हो गया, और जो नीचे होगा वन माइनस थ्री टेन एक्स वो ऊपर चला जाएगा थ्री टेन स्क्वायर एक्स, और नीचे हो जाएगा आपका थ्री टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स, ओके ओके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें से क्या कीजिए, नीचे वाले से आप टेन एक्स को कॉमन ले लीजिए, क्योंकि टेन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, टेन एक्स ऊपर हो गया, नीचे वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स, नीचे वाले सब टेन एक्स कमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे से टेन एक्स कमन लेंगे तो बच जाएगा आपका थ्री माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये कैंसिल आउट कर दीजिए। अब क्या कीजिए कि टेन एक्स को कन्वर्ट कीजिए साइन वाई कॉस में, ओके, मैं करके दिखा देता हूँ आपको क्या हो जाएगा, अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा थ्री साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाई कॉस, मतलब साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर, साइन को एस स्क्वायर से कर दे रहे हैं, इसको एथी से कर दे रहे हैं, ठीक है, सी से कर दे रहे हैं, नीचे भी उसी तरह हो जाएगा, नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अगर ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो देखते हैं क्या होता है, लिमिट एक्स टेन इंटू फाइव बाई टू हो जाएगा ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस थ्री साइन स्क्वायर एक्स, नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसी तरह इधर हो जाएगा थ्री कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट, अब वो बच जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंड इंटू पाई बाई टू, ऊपर बच गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स माइनस थ्री साइन स्क्वायर एक्स, नीचे बच गया आपका थ्री कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अगर एक्स टेंड इंटू पाई बाई टू रखना है तो पाई बाई टू पे साइन तो वन हो जाता है लेकिन कॉस जो होता है वो जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, ये बच जाएगा आपका वन, मतलब ये ऊपर बच जाएगा आपका, ऊपर बच जाएगा माइनस थ्री, नीचे ये तो ये जीरो हो जाएगा, ये नीचे बच जाएगा माइनस वन, मतलब कहने का अर्थ कि आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा थ्री। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा थ्री। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं जो कि वो और भी इंपॉर्टेंट सवाल है, और भी इंटरेस्टिंग सवाल है, जो है लिमिट एक्स टेंड जीरो रूट ओवर वन प्लस एक्स साइन एक्स माइनस रूट ओवर कॉस टू एक्स होल डिवाइड बाई टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये इस टाइप का सवाल मैंने करा दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या अभी तक डिस्कस कर लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस कर लिए, रेशनलाइजेशन डिस्कस कर लिए, डबल रेशनलाइजेशन डिस्कस कर लिए, मतलब हम लोग स्टैंडर्ड मीडियम डिस्कस कर लिए, उसको हम लोग धासु तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं उसको भी डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब सबका यूज हम लोग करेंगे, अब आगे वाले जो भी प्रॉब्लम, जैसे कि इस प्रॉब्लम में हम लोग रेशनलाइजेशन का भी यूज करेंगे और धासु मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म है इसमें, ठीक है। तो एक्स टेंड जीरो पे क्या होगा, वन जीरो तो वन हो जाएगा, इधर करेंगे तो वन माइनस वन जीरो, तो ये होगा जीरो, तो टेन जीरो जीरो, मतलब ये ओवरऑल क्या होगा, जीरो बाई जीरो इनडिटरमिनेट फॉर्म, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे, पहले यहाँ पे देखेंगे कि ये यहाँ पे हम लोग धातु मेथड कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आपको, जब टेन ए जो होता है, अगर ए जो है जीरो को टेंड करेगा तो हम लोग इस ओवरऑल को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इस ओवरऑल को हमको ए से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। उसका हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, तो पहले हम लोग देख लीजिए कि ये जीरो जीरो इंडिटरमिनेट फॉर्म शो कर रहा है, तो इसको हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ये ओवरऑल देखिए टेन स्क्वायर एक्स है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टेन एक्स बाई टू इंटू टेन एक्स बाई टू, ठीक है। ये अंदर वाला जीरो को रिप्लेस करेगा, टेन जीरो जीरो होता है, तो इस ओवरऑल को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इसको हम लोग एक्स बाई टू से रिप्लेस कर सकते हैं, और इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इसको हम लोग एक्स बाई टू से रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब दोनों अगर मल्टीप्लाई होगा तो किस क्या हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको एक्स स्क्वायर बाई फोर से रिप्लेस कर सकते हैं, ओके। तो इसको हम रिप्लेस करके आपको दिखा देता हूँ किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इसको एक्स स्क्वायर बाई
फोर से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके तो मैं एक बार लिख देता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंड जीरो ऊपर हो जाएगा आपका 1 + x sin x - √cos 2x, नीचे हो गया आपका x² / 4। और मैंने बताया था कि जहाँ जहाँ आपका रूट का टर्म आएगा वहाँ वहाँ हम लोग रेशनलाइजेशन का यूज करने लगेंगे, ठीक है। तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका 1 + x sin x + √cos 2x। ओके नीचे भी वो वही कर देते हैं हम लोग सेम टू 1 + x sin x + √cos 2x। ओके तो आपको मैंने रेशनलाइजेशन के समय एक फॉर्मूला बताया था, क्या बोलता था कि a² - b² क्या होता है, a + b * a - b। तो उसी का यूज करते हैं, देखिए यहाँ पे a + b a - b हो गया और ये a + b होगा। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे a² - b² में, तो क्या हो जाएगा वो लिमिट x टेंड जीरो ये हो जाएगा आपका 1 + x sin x - cos 2x बच जाएगा ऊपर। नीचे मेरे पास क्या बच जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका x² / 4 √1 + x sin x + √cos 2x, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एक और भी अच्छा तरीका बता रहा हूँ कि अगर लिमिट में अगर कहीं भी मल्टीप्लिकेशन के टर्म में देख रहे होंगे कि अगर लिमिट रखने पे वो कोई नॉन जीरो टर्म आ रहा है तो उसको नॉन जीरो टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम अगर यहाँ पे इसमें मल्टीप्लीकेशन के टर्म में अगर हम लोग इसमें लिमिट रख रहे हैं तो यानी 1 + यहाँ पे अगर लिमिट रखिएगा 0 तो ये हो जाएगा 1, ये ओवरऑल 1 हो जाएगा। इधर करेंगे cos 0 ये भी 1 हो, मतलब ये 1 + 1 = 2 आ जाएगा। मतलब इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि ये नॉन जीरो टर्म आ रहा है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं क्योंकि इसका मान 2 आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ कि अगर लिमिट x टू 0 ऊपर क्या हो जाएगा 1 + x sin x - cos 2x होल डिवाइड बाई, अगर 2 से इसमें किए तो क्या हो जाएगा x² / 2 आ गया, ठीक है। तो हम लोग इसको अब क्या करेंगे, अब फिर से हम लोग इसमें चेक करेंगे कौन सा इंडिपेंडेंट फॉर्म इसमें शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये मैं लिख डाला इधर, इसमें x टू 0 रखेंगे तो ये होगा 0, ओके इसमें 0 रखेंगे तो 1 - 1 ये भी 0, नीचे भी 0, मतलब ये भी अभी भी 0/0 का फॉर्म शो कर रहा है, ठीक है, इंडिपेंडेंट फॉर्म शो कर रहा है। तो फिर से हम लोग और कोई ऑपरेशन लगाते हैं, इसमें क्या करते हैं हम लोग लिमिट x टू 0 आप क्या कीजिए 1 + cos 2x जो है 1 + cos 2x को एक साइड कर लीजिए और इसको अलग अलग कर दीजिए, x² / 2 कर दीजिए। उसी तरह इधर हो गया प्लस लिमिट x टेंड टू 0 x साइन x होल डिवाइड बाई x² कर दीजिए, x² / 2 मतलब 2 पर चल जाएगा। यहाँ से x कैंसिल आउट हो गया तो क्या हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपको x कैंसिल, एक नीचे x बचेगा और sin x / x क्या हो जाएगा, sin x / x आपका 1 हो जाएगा। मतलब ये ओवरऑल आपको क्या हो गया, ये ओवरऑल 2 × 1 हो गया, मतलब इसका ओवरऑल इसका तो माना गया 2। अब लोग इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसमें मतलब अपना धासु मेथड यूज़ कर सकते हैं। धासु मेथड मेरा क्या था, धासु मेथड मेरा ये था कि 1 - cos a जो है होगा, इसमें अगर a जो है 0 को टेंड करेगा तो ये ओवरऑल को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ओवरऑल को हम लोग a² / 2 से रिप्लेस कर सकते हैं, ओवरऑल को किससे रिप्लेस कर सकते हैं a² / 2 से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा ओवरऑल लिमिट x टेंड 0 ये हो गया। तो इसको हम लोग देखते हैं ये किससे ये मतलब किसको टेंड कर रहा है, ये 2x जो है 0 को टेंड कर रहा है, इस ओवरऑल को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इस ओवरऑल को हमको 2x² / 2 से रिप्लेस कर सकते हैं। नीचे मेरे पास क्या है, नीचे मेरे पास है x² / 2, ओके देखते हैं क्या होता है मेरे पास। लिमिट x टेंड 0 ये हो गया 4x² / 2 * ये ऊपर हो गया 2, नीचे हो गया x², तो 2 से 2 कैंसिल आउट, x² से x² कैंसिल आउट, मतलब ओवरऑल आपका इधर क्या बच गया, इसका मान आ गया 4, ठीक है। ये इसका मान ओवरऑल इसका मान आ गया 4 और इधर से आ गया आपका 2, मतलब ये ओवरऑल मिल गया कितना आंसर आ गया इसका, टोटल ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा आपका, ओवरऑल आंसर आ जाएगा 6। तो था ना ये इंटरेस्टिंग सवाल, देखिए इसमें मैं आपको दो दो बार आपको मैं अपना धासु मेथड लगा के आपको देखिए कितना जल्दी से जल्दी आपको क्वेश्चन सॉल्व कर दे। देखिए यहाँ पे मैं एक बार धासु मेथड लगा, एक बार आगे मैंने धासु मेथड लगाया जो कि आपको प्रॉब्लम को बहुत जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या है सवाल है, लिमिट x टेंड 0 x - tan 2x - 2x tan x होल डिवाइड बाई 1 - cos 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर से मेरा यहाँ पे धासु मेथड लगने वाला है, पहले हम लोग चेक करते हैं ये कौन सा इंडिपेंडेंट फॉर्म शो कर रहा है। टेन 0 ऊपर 0 नीचे भी 0, मतलब 0/0 इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है, ठीक है, 0/0 इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है।
तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करें, मैं यहाँ पे अपना धातु मेथड यूज करने वाला हूँ, वो क्या है, वन माइनस कॉस ए, जब ये अंदर वाला जो है जीरो को टेन करेगा तो इस ओवरऑल को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इस ओवरऑल को हम लोग ए स्क्वायर बाई टू से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि एक्स टेन जीरो, ये क्या होगा, ये जीरो को टेन करेगा, मतलब इसको ओवरऑल को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इस ओवरऑल को आप रिप्लेस कर सकते हैं टू एक्स बाई टू एक्स का होल स्क्वायर बाई टू से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और इसका भी होल स्क्वायर लगाया क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है द होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फोर एक्स स्क्वायर का होल पावर टू का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका सिक्सटीन एक्स के पावर फोर होल बाई फोर, ये हो जाएगा आपका ओवरऑल फोर एक्स के पावर फोर। तो इसको हम लोग ओवरऑल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड जीरो, एक्स को कॉमन निकाल लीजिए, आप लिख दीजिए टेन टू एक्स माइनस टू टेन एक्स होल डिवाइड बाई फोर एक्स पावर फोर। ठीक है, तो यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल आउट कर दीजिए तो क्या बच जाएगा आपके पास, यहाँ पे एक्स क्यूब बच जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर और क्या यूज़ कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम लोग टेन टू एक्स का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या होता है वो, टू टेन एक्स होल डिवाइड बाई वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स माइनस टू टेन एक्स होल डिवाइड बाई, तो ये आपका ओवरऑल हो गया। अब इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, इसको लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पे एक बार, तो ये है ओवरऑल। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से आप कर दीजिए लिमिट एक्स टेन जीरो, टू टेन एक्स को बाहर कर दीजिए, टू टेन एक्स को मैंने बाहर कर दिया, बच जाएगा क्या, वन डिवाइड बाई वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ओके माइनस वन होल डिवाइड बाई फोर एक्स क्यूब। ठीक है, फिर इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, देखिए क्या होता है, टू टेन एक्स हो गया, ऊपर क्या कीजिए कि वन माइनस ये हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे आपको फोर एक्स क्यूब हो गया और इसके नीचे हो जाएगा आपका वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ओके, ये आपका ओवरऑल आ जाएगा, ये ऊपर वाला हो गया, इसमें ओवरऑल क्या है, वन से वन कैंसिल आउट हो गया, बच जाएगा ऊपर हो जाएगा, बच जाएगा ऊपर आ गया आपका, बच गया टोटल, ऊपर बच गया आपका एक्स टेन जीरो, ऊपर बच गया आपका टू टेन क्यूब बच गया, टेन क्यूब एक्स हो गया, नीचे आपका हो गया फोर एक्स क्यूब, इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब हमारे पास धातु मेथड क्या है, धातु मेथड या स्टैंडर्ड लिमिट क्या होता है, लिमिट एक्स टेन जीरो टेन एक्स होल डिवाइड बाई एक्स क्या होता है, ये वन होता है, उसी तरह यहाँ पे टेन क्यूब एक्स डिवाइड बाई एक्स क्यूब है, तो इसको क्या किसी चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं, इसको हम लोग वन से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट एक्स टेन जीरो, ये हो जाएगा टू बाई फोर इंटू वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, तो अगर टेन एक्स टेन जीरो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस जीरो क्या हो जाएगा, वन, ऊपर भी वन। ठीक है, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा आपका, वन बाई टू, तो ये आपका ओवरऑल आंसर है गया वन बाई टू। ठीक है,